हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड देखिएगा, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्राइमरी की भर्ती होनी है UPPRT, उससे संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन नई भर्ती को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी ट्विटर अभियान करते रहते हैं, और फ्रेंड्स इस भर्ती को लेकर कभी ना कभी जो है बयान किसी न किसी का आता रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था कि उन्होंने एक कमेटी तैयार की है जो ये बताएगी कि यूपी में कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। मतलब कि सहायक अध्यापक के UPPRT में कितने पद खाली हैं, इसके लिए उन्होंने कमेटी तैयार की है और वो इन पदों का ब्यौरा जल्द से जल्द शासन को सौंपेगी। तो फ्रेंड इसी के चलते एक अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ ये है कि आपको नए शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान, ठीक है, ऐसा देखने को मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, इसी माह अगर कमेटी अपने रिपोर्ट सौंप देती है, ठीक है, तो इसी माह में ऐलान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है पूरी खबर। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्य कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालय के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 3 साल हो गए हैं जो पिछली भर्ती आई थी 2018 में, ठीक है। तब से लेकर अब तक का लगभग 3 साल का समय हो चुका है, कोई प्राथमिक भर्ती नहीं आई है। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, बता दें आपको कि चुनावी मौसम है, ठीक है, चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स 101% भर्ती का आना जो है श्योर है, ठीक है, भर्ती आएगी ही आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा, स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। जी हाँ फ्रेंड, 70,000+ ही भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। परिषदीय विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, जो इसके लगभग 22,000 पद बचे हुए हैं, ठीक है, उसको लेकर भी इसमें फ्रेंड्स काफ़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया गया है कि साफ कि जो रिक्त पद हैं वो 69,000 में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री वगैरह इन्होंने सबने मना कर दिया है, यानी कि आने वाली जो भर्ती होगी उसमें इनको जोड़कर, ठीक है, क्योंकि खाली पद हैं ये, इसीलिए इनको जोड़कर नई भर्ती की जानी है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी भरे नहीं जा सके। इधर के वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले वह कोरोना काल में काल कवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो पाना मुश्किल होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 3-4 महीने का सिर्फ टाइम बचा हुआ है, ठीक है, इसमें, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं योगी जी ने बता दिया है कि फरवरी में चुनाव होने हैं, तो फ्रेंड्स ये सारी प्रक्रिया पूरी फरवरी से पहले पहले होनी है। और आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि सुपर टेट से पहले यूपी टेट का होना फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल होना अनिवार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यूपी टेट पास नहीं हुआ है, या ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टेट पहली बार देंगे वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं यूपी टेट का। और फ्रेंड्स, हर भर्ती से पहले यूपी टेट का आना, मतलब कि यूपी टेट आता ही है, तो फ्रेंड्स इस बार भी यूपी टेट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके लिए देखिएगा आप, यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है, ये देखिएगा नवंबर, ठीक है, नवंबर में यूपी टेट कराने की तैयारी, भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टेट नवंबर में कराने की तैयारी है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको बता दें कि सुपर टेट होना है, उससे पहले आपको यूपी टेट देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स ये दोनों कराए जाने के लिए, ठीक है, समय चाहिएगा, क्योंकि जैसे यूपी टेट निकलेगा उसके आवेदन का समय रहेगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर आप जानते हैं सुपर टेट होगा उसके लिए भी टाइम चाहिएगा,
कुल मिलाकर जो टाइम बचता है फ्रेंड्स वो 3-4 महीने का है, और ये सारा प्रोसेस सारी प्रक्रिया जो है इन 3-4 महीने में ही करानी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें यूपी टेट और सुपर टेट के जो आवेदन हैं या फिर इन्फॉर्मेशन है जो भी है फ्रेंड्स आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए फ्रेंड्स इसी माह में हो सकता है कि आपको भर्ती का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, सूचना मिल जाए कि कब होना है। नवंबर में यूपी टेट का तो होना है, ठीक है, उनकी तैयारी है कि वो नवंबर में करा लेंगे, और फ्रेंड सुपर टेट भी आपका जो है ये देखिएगा जनवरी या फरवरी में करा लिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो अच्छी लगी होगी, ठीक है। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।